हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम कुछ स्पेशल बताने वाले हैं आप सबको। अच्छा, कुछ जो सबको बहुत पसंद है, काफी लोगों को पसंद आएगा, वो आने वाला है। तो विल रिवील दैट। यस, बस तो हो चुका है। शार्क टैंक इंडिया इज कमिंग सून। तो हम वही उसका प्रोमो देख रहे थे, तो बड़ा मजा आ रहा था। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत नॉलेज मिलती है बिजनेस के बारे में। एंड जैसे हम लोग भी काइंड ऑफ बिजनेस ही हैं, बिजनेस करते हैं हम, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। एंड आप लोगों को भी मजा आता होगा। और वो एक काइंड ऑफ बोलते ना, फिनेंस के बारे में आपको नॉलेज भी होगी, मस्ती भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो हम बस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम काफी दिनों से बोल रहे थे एक दूसरे को ना कि शार्क टैंक कब आएगा। बट चलो, आ ही गया फिर से। बट प्रोमो में अश्लील ग्रोवर ही नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा शार्क टैंक? इनका फेवरेट है वो, और वो प्रोमो में नहीं दिखे, बट पता नहीं, क्या पता हो भी सकते हैं। कई बार होता है ना, कई सीजन में हमने देखा था ना, लास्ट सीजन में कि कुछ एपिसोड में कोई नहीं होता था। तो इट डिपेंड्स कि क्या पता प्रोमो के लिए उनके पास टाइम ही ना हो। बिजनेस मैन है भाई, बिजी आदमी है, तो बट होना चाहिए। हाँ, हमें चाहिए अश्लील ग्रोवर। आप शार्क टैंक में आए जरूर। आएंगे बेटा। डोंट वरी, आएंगे बेटे, आएंगे। तुम्हारे करुण अर्जुन आएंगे, मेरे अश्लील ग्रोवर आएंगे, मेरे अश्लील ग्रोवर आएंगे, धरती का सेना चीर कर आएंगे। इतना तो वो करुण अर्जुन की माँ ने भी नहीं बोला होगा जितना तुम फील कर रहे हो। अच्छा, आपका कौन सा है जो स्पेशल और स्पेशल फेवरेट बिजनेस है? मुझे तो लेंस कार्ट वाले पसंद है। लेंस कार्ट खुद की, उस टाइम जब हम देखते थे तब मैं ऐसी बात करता था। कौन था वो, कौन सा बिजनेसमैन था जिसकी मैं करता था? वो मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो करो ना एक्सपर्टीज। ये क्या होता है, अब तुम लोग बिजनेस मैन हो, तुम लोग एक्सपर्टीज नहीं होगे तो फिर अब म्यूजिक वाले से आलू बेचवाओगे तो कैसे चलेगा? इस पे तो एक्सपर्टीज ही नहीं है। बताओ। अब म्यूजिक बेचो, म्यूजिक बेचे, म्यूजिक को सीखा जाता है, हम उसे बेच नहीं सकते। म्यूजिक अंतरात्मा से आता है। चलो गाइस, हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आप भी कर रहे होंगे, काफी बिजनेसमैन। और आजकल तो मैंने देखा है यंगस्टर्स ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर अपना खुद का कुछ करने की मतलब ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फील होता है कि यार कैसे होगा, मतलब बहुत चीजें देखने को मिलती हैं, उथल पुथल ना, प्रॉफिट लॉस लॉस या जो भी है। बट लॉन्ग रन में तो जो भी नाम है
अपना कुछ और फिर हेमंत जी बैठेंगे शार्क टैंक लगा के, फिर रोबोट के बीच लड़ाई आएगी और ये हम दोनों को मारेंगे क्योंकि मेरे को कुछ भी वो नहीं फर्क पड़ता है, चल कोई भी बाद में देख लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन इन लोगों को होता है ना कि नहीं अभी देखना है। और वो भी बोलता है मम्मा यार मेरा कुछ लगाओ ना, बच्चों वाला कुछ लगाओ, बड़ों वाला कुछ सीधा बोलता है। तो चलो आप भी बताना आपके घर में भी रोबोट के बीच लड़ाई तो होती होगी। चलो गाइज मिलते हैं, और शायद मामा अर्थ वाले भी है ना उसमें, क्या नाम था उनका, गजल। देखते हैं बाकी, जब आएगा तब पता चलेगा कि कौन है। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, होप करते हैं आपको ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड बेल आइकन बजाना मत भूलना। उससे क्या है, हम न्यू वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाती है, तो मिस नहीं होगी। और बस टिल देन टेक केयर, बाय बाय।